First Choice gets there. Ramadan special offer up to 40% discount ke saath. Ek latest collection mein Halima Sultan, Sharara Pompom, gown, wonderful suit, western outfit, aur bhi behtar service, premium quality, sabse sasta aur acha. Ramadan mein aapki favorite shopping ke choice sirf First Choice. लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर कोरोना की वजह से जहां मस्जिद मंदिर बंद कर दिए गए थे, ऐसे में मुमरा शहर में तमाम उलमाओं ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभार से मुलाकात की और रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज तरावी गाइडलाइन जारी करते हुए पढ़ने की इजाजत मांगी है। जमाते अहले सुन्नत मुमरा की तरफ से इमाम मौलाना कारी अताउल्लाह साहब दारुल उलूम मखदूमे सिमनानी के अध्यक्ष मौलाना जमाल अहमद, मौलाना अल्ताफ लतीफ़ी और भी कई उलमा इकराम इस मौके पर मौजूद थे। मंत्री जितेंद्र आभाट को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि मुमरा शहर में और शहरों के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए मुमरा शहर में अगर कोई भी गली मोहल्ले में कंटेनमेंट जोन है तो उस गली मोहल्ले को सील कर दिया जाए और मुमरा के ग्रीन जोन में रमज़ान के महीने में तरावी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उलमा इकराम ने मंत्री जितेंद्र आभार से मुलाकात की और मांग की है कि आप महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें और गाइडलाइन के अनुसार रमज़ान के महीने में तरावी नमाज पढ़ने की मुमरा शहर में मस्जिद में इजाजत दी जाए। तमाम उलमा इकराम के साथ में सैयद अली असरफ भाई साहब भी मौजूद थे और ऐसे में मेमोरेंडम देने के बाद मंत्री जितेंद्र आभाड़ और सैयद अली असरफ भाई साहब और उलमा इकराम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये उलमा इकराम हमेशा शहर के भलाई के लिए सोचते हैं, खुद होके कुछ करने का सोचते भी नहीं। यहाँ के उन्होंने तवज्जो की कैसा किया जाए, उन्होंने खुद ने ही कहा कि गाइडलाइन के बाहर हम नहीं जाए। मेरा कुछ उसमें कहना ही नहीं था, अब मौलाना खुद ही कह रहा है कि हम गाइडलाइन के बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो पब्लिक के लिए कोई एहतियात कैसा, वो लोग गाइडलाइन करें, भीड़ बढ़ा। देखो, ऐसा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, थाना में जब पहली बार ये आया था तब मैक्सिमम हुआ था 575, कल मैक्सिमम था 2200, मतलब 4 गुना स्पीड से ये बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा दरवाजा खोल रहे हैं मौत को अंदर बुलाने के लिए, वो संभालना चाहिए। उन्होंने आज डॉक्टर जितेंद्र आभाड़ साहब के निवास स्थल के ऊपर गए और उन्होंने ये डिमांड किया है कि आप जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार के अंदर हैं, आने वाला रमज़ान है, रमज़ान के अंदर तरावी नमाज पढ़ी जाती है, फर्ज नमाजें होती हैं और कीमती वो होता है रमज़ान का वक्त, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडलाइन को ऐसा लाया जाए कि हमारी 5 वक्त की नमाज और तरावी हो जाए। मुमरा के जो है जितेंद्र आभाड़ साहब से हमने इस बारे में एक मुतालबा किया है, हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने हमको ये कहा है कि आप जो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आएगी उस पर अमल किया जाए। मसाजिद में ज़्यादातर लोग, मैंने उनको कहा है कि आप नमाजें अदा ना करें, घरों में अदा करें, और वजू भी लोग घरों से करके आए। अगर जो ट्रस्टियान मस्जिद के वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मौजिन है, इमाम है, वो नमाज़ पढ़ाएं बाकायदा और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आम आवाम के लिए, आवाम के लिए ये है कि अपने 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 घरों पर जो है नमाजें अदा करें और वो बेहतर तो तरीका यही है कि वो अपने अपने घर पे नमाज अदा करके जो है मस्जिद की तरफ बिल्कुल ना आए।